नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय भूचाल चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खबर क्या है, इस खबर को पूरा सुनिएगा। उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है अपना दल यस, जिसके संस्थापक थे सोने लाल पटेल। उनकी बेटी हैं अनुप्रिया पटेल, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केंद्र में मोदी के साथ तीसरी बार मंत्री बनी हैं। और उनके पति हैं आशीष पटेल, और आशीष पटेल इस समय योगी सरकार में मंत्री हैं। लेकिन दोस्तों, पार्टी है कौन सी, अपना दल। कुर्मियों की नेता कही जाती हैं अनुप्रिया पटेल, उनके विधायक हैं विनय वर्मा। अब आप सोचिएगा, उनके विधायक इन दिनों धरना दे रहे हैं एसपी के खिलाफ, और इनको लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अपना दल पार्टी ने इनके धरने को लेकर, इनको लेकर पल्ला झाड़ लिया है। यानी कि पार्टी अलग खड़ी हो गई है और विधायक जी अलग खड़े हो चुके हैं। तो पूरा वीडियो आप सुनिएगा, आपकी जो राय होगी आप अपनी राय को बताइएगा। खबर है सोहरतगढ़ के विधायक हैं और एक तगड़े नेता हैं, लड़ाकू नेता हैं, जो अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश हो या केंद्र हो, ये जो ठेकेदार नेता हैं, ठेकेदार पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं या नेता हैं, लोडर हैं, इनकी सुनवाई कहीं नहीं है, भले पिछड़ों के मुद्दे पर बोले खुल करके। अब सोचिए, जब विधायक बेचारे की सुनवाई नहीं हो रही इनकी पार्टी के, तो इनके लोगों की सुनवाई कौन करेगा। लंबी लंबी बातें फेंकते हैं भले। अब विधायक जी का मामला क्या है सुन लीजिएगा। प्राची सिंह आई हैं, इनके खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं, इसके पहले भी तमाम बार कह चुके हैं मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब देखिएगा, सूत्रों के हवाले से अंदर की खबर यह है कि बहुत जल्द अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं, अर्थात अपना दल यस से इस्तीफा दे सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। पहले सूत्र बता रहे हैं, विनय वर्मा जी असली नाराजगी भाजपा गठबंधन में रहते हुए उनके मुद्दों को लेकर है। मुद्दे क्या हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण का घोटाला हुआ है। चाहे केशव मौर्य बड़ी बड़ी बातें करें, ओम प्रकाश राजभर बात बड़ी बड़ी बातें करें, अनुप्रिया पटेल बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन इसका हल निकालने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। केवल ट्वीट करना जानते हैं, बस केवल ट्वीट करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और हकीकत है, मामला लटक गया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, ये लोग कुछ नहीं कर पाए, भले पिछड़ों के नेता हैं। सच्चाई यही है, 69,000 शिक्षक भर्ती में तमाम लोग, तमाम जो अभ्यर्थी हैं बेचारे, इनके घर का घेराव कर रहे हैं, लाठियां पड़ रही हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं लोग। आरक्षण वर्गीकरण क्रीमी लेयर पर इनका मामला अलग है। लगातार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के से युवा परेशान हैं। लेटरल एंट्री पर इनकी नाराजगी थी, एनएफएस इनकी नाराजगी थी, तहसील और थानों में भ्रष्टाचार। अब आप सोचिए, दावा किया जाता है कोई भ्रष्टाचार नहीं, सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार भरा था। विधायक जब बोल रहा है, तो मैं थोड़ी बोल रहा हूं, विधायक कह रहा है बेचारा भ्रष्टाचार चरम पर है, हर थानों के, हर चौकी के पैसे निर्धारित कर दिए गए हैं, ऐसा विधायक जी कह रहे हैं। आप सोचिएगा, दूसरी तरफ अखिलेश यादव के साथ आने का कारण क्या है। लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, गरीबों, अगड़ों की आवाज समाजवादी पार्टी बन रही है, और आने वाले समय में इनको टिकट आराम से मिल सकता है, यह भी सूत्र बता रहे हैं। हालांकि इस खबर पर अभी पूरी घोषणा नहीं कर सकते। अब यहां पर अनुप्रिया पटेल को झटका लगता हुआ दिख रहा है, वहीं पर और सुनिएगा, पूरा खबर सुनिएगा। अब अनुप्रिया पटेल को झटका लगता हुआ दिख रहा है, झटका ही मानिएगा, पार्टी भले इनकी हो लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है परेशान है। इन्होंने ये भी लिखा है, दिनेश पटेल ने 9 घंटे पहले इस खबर का अंदेशा बताया था, रुझान आना शुरू हो गया है। ये सोहरतगढ़ के विधायक अपना दल एस के विधायक जी पर, और यहाँ पर आप देखिएगा, पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं आत्माराम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ के पूर्व विधायक राजकुमार पाल, जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। राजकुमार पाल 2.5 साल ही विधायक रहे, लेकिन 2.5 साल के विधायक कार्यकाल में अपनी छाप उन्होंने छोड़ी, सच्चाई यही है। इस लेटर में क्या लिखा गया है, लेटर आपको थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। इसमें लिखा गया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अपना दल यस राजकुमार पाल जी से नाराजगी लेने
के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि कल दिनांक 10/9/2024 को दिन मंगलवार को जनपद सिद्धार्थनगर में पार्टी के माननीय विधायक जनपद के पुलिस कप्तान के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और इस मामले को लेकर पार्टी का कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कोई भी प्रदेश का पदाधिकारी, कोई भी जिले का पदाधिकारी इस धरने में शामिल ना हो, तो इसका मतलब है साफ साफ पार्टी ने किनारा कर लिया है। विधायक अकेले पड़ गए हैं, विधायक धरना देते रहे, योगी के राज में सुनवाई पिछड़ों की होनी नहीं है। पिछड़ों की ही नहीं, अगड़ों की भी नहीं होती है, सच्चाई यही है। आप देखते होंगे, हाँ कहीं कहीं मामले हैं वहां पर सुनवाई होती है, लेकिन मेन मुद्दा जो होता है, अगर कोई मुद्दे पर लड़ता है तो उसकी भी सुनवाई नहीं होती है। तो लगातार खबरें आना शुरू हो गई हैं, रुझान आना शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी में तमाम नेता आना चाहते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं, सुनवाई ना होना, उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का बैकअप धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।